मेरे पास मेरे को 12 साल हो गए, लोग सोचते हैं एक साल में मेरे पास भी 10-12 लाख रुपए आ जाए, वैसे नहीं होता, ये भी चक्कर रहता है। और वो संभालते नहीं, सिर्फ घूमते रहते, घूमने से तो नहीं पैसे मिलेंगे कोई भी फार्म हो। तो दोस्तों आज हम पहुँचे हैं महाराष्ट्र में, यहाँ पर मैं आपको ऐसे किसान भाई से मिलाऊंगा जो पहले शहर में जाके जॉब करते थे, वापस अपने गांव में आए, यहाँ पर परिवार के साथ बकरी पालन कर रहे हैं और साल का काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। दोस्तों जानते हैं कि पूरे सफ़र अनुभव के बारे में, और ये बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल ब्रीड पर काम कर रहे हैं जो कि है बॉयगोट। अगर आप भी बॉयगोट फार्म करना चाहते हैं तो सर से पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया जी। सर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, अपना परिचय दीजिए, अपने फार्म का परिचय दीजिए। मेरा नाम है नवनाथ राम हरि पवार, गांव है पुलकुड़ी, तालुका मान, जिला सातारा। यहाँ पर अपना बोर का फार्म है, पवार गोट फार्म के नाम से जी। सर आपकी जो हिस्ट्री रही है काफी रोचक रही है, आप पहले बाहर जाके। हाँ मैं हरियाणा में, मजदूरी आपने करी वहाँ पे जाके, वो क्या स्टोरी सर बताइए थोड़ा सा। हरियाणा में रह के आया हूँ मैं 19 साल, कम से 18-19 साल। तो वहाँ पे क्या चल रहा था सर हरियाणा में? वो अपना दुकानदारी का काम था, दूसरे के पास काम करना, अपना भी था थोड़ा मोटा जी। और इस फार्म की शुरुआत कब हुई सर? इसको 12 साल हो गए। 12 साल आपको करते हुए? हाँ। तो सर ये बताइए बकरी पालन का आपको विचार कैसे आया? ये महंगाई के हिसाब से, पहले 30,000 सोना था, अब 70,000 है, लेकिन मेरे को 12 साल हो गए इसमें, 30,000 ही था सोना, उस टाइम भी बहुत महंगा हो गया था, 4,000 से 30,000 हो गया, बहुत हो गया। यानी जो महंगाई जो उसकी बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं आपको लगा कि अपनी इनकम को बढ़ाया जाए। हाँ, फिर मैं इसलिए ये गांव आने के बाद मैं सोचा ये करते अपने बकरी पालन करते। बकरी के उस टाइम राजस्थानी भी लिए थे मैंने 10 बकरी, कोटा की 5 थी और बिटल की 5 थी, कोटा की तो मैंने हाथों हाथ बेच दी थी। और उसमें सर इनकम नहीं थी क्या जो नॉर्मल बकरियाँ? नहीं नहीं नहीं, वो कटिंग के लिए जाती है, कटिंग के हिसाब से रेट मिलेगा, 7-8 हज़ार, 5 हज़ार। और इसका किस हिसाब से मिलता है सर? इसका उस टाइम मैंने 64,000 रुपये की फीमेल ली थी निमकर से, 10 बकरी से चालू करा हुआ है मैंने। 10 से चालू करा आपने, और अभी कितनी है सर? अभी 70-80 बकरी है, बच्चे सारे मिला के। तो सेल भी होता रहता है इस दौरान में? हाँ, जाता रहता है, कई बार ले भी लेते लेते हैं, कई बार फिर मोल भी लेते हैं, आप बेच भी देते हैं, दोनों भी करते हैं। इस बकरी की खासियत क्या होती है? मैं देखा बोर गोड़ का जो चलन है वो बढ़ता जा रहा है, वजन बढ़ता है इसका। अच्छा, महीने में 6-7 किलो बढ़ जाता है। बच्चा जब होता है वो कितने महीने का होता है, कितने वजन का होता है? बच्चा होता है जब 2.5-3 किलो तक हो जाता है, और 4 किलो का भी होता है, कई बार 5-5 किलो के भी आते हैं, लेकिन उस टाइम एक ही होता है। अगर कंपेयर करें जो बाकी आम बकरी है उससे इसका वजन ज़्यादा ज़्यादा मिलता है। अगर सर ये भी कहा जाता है कि अगर इसका जो बकरा है वो अगर नॉर्मल बकरी से क्रॉस कराते हैं उसको, हाँ, बकरी को, तब वो वजन बढ़ेगा उसका भी, तो उसमें भी 7-8 किलो बढ़ के मिलता है। हाँ, नहीं पैसे मिल जाएंगे ज़्यादा उसके भी बकरे के। मान लो अपना 5,000 का वो बच्चा जाता है, वो 6-7 हज़ार रुपये तक चला जाएगा। अभी सर ये जो लैंड है, जमीन है, वो कितने एरिया में है? आपकी जमीन कितनी है आप पूछते नहीं? 2 एकड़ है इसमें। फार्म कितने एरिया में बना हुआ है आपने? 50x70 का है। खर्चा क्या है इसको बनाने में? इसको खर्चा आया था 5-1 लाख रुपये आ गया था उस टाइम जी। आप ज्यादा आएगा जी, मैं देख रहा हूँ सर परिवार के साथ आप इसको काम करते हैं। हाँ सर, घर के सारे, कोई बाहर का नहीं है, लेबर वगैरह की कोई ऐसी कोई जरूर नहीं पड़ती। सर सेल कहाँ करते हैं बताइए, इतना महंगा जो बिकता है ये? ये बाहर भी जाता है कई बार, इधर उधर, कई बार हरियाणा भी गया है, हरियाणा थोड़ा मोटा गया है, मेरे पास से नहीं गया ज़्यादा, लेकिन बाहर ज़्यादा जाता रहता है, बिहार गया है, उड़ीसा, तो अभी बकरे बॉम्बे में 2 अटके हुए हैं। जी जी। हाँ अच्छा सर, लोगों के मन में बड़ा डाउट रहता है कि अगर वो करना चाहें तो उसको कहाँ सेल करेंगे, कैसे अपने मार्केट बनाएं? मार्केट तो यूट्यूब पे बन जाता है और अपने बन जाता है, 5-6 साल, दो साल तो लग जाते हैं मान लो मार्केट बनाने में, लेकिन 2 साल बाद लोगों को पता चल जाता है इसके पास बकरे भाई ये ऐसे वैसे सारा पता चल जाता है। मैं देख रहा हूँ सर आप इनको दूध भी पिला रहे हैं। हाँ, बच्चों को बोतल में आप दूध पिला रहे हैं, तो वो उससे क्या फ़ायदा होता है, क्यों आप पिला रहे हैं ये? वजन बढ़ने के लिए, कई बकरे को एक ही मान लो इनको थान है, वो बकरे का 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, यानी जो उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट जो पावर है वापस आ जाती है, दूध पीने से आ जाते हैं। अच्छा सर ये बताइए जो बकरा है आपका, मैं देख रहा हूँ काफ़ी हेल्थी और काफ़ी तंदुरुस्त बकरा है ये। हाँ, इसका कितने वजन का है और क्या कीमत है इसकी? इसकी कीमत तो आप पता नहीं, लेकिन 4-1 लाख रुपये का तो चला जाएगा। इसका नाम शिवा है और दूसरे का नाम है डीजल। डीजल और शिवा। सर थोड़ा फीड मैनेजमेंट के बारे में बताइए, क्या आप इनको खिलाते हैं? सुबेरे झाड़ू मार के फिर मक्के का दाना देते, गेहूँ देते बच्चों के लिए,
200-250 ग्राम एक बच्चे एक फीमेल को देते हैं, बच्चे को 100-150 ग्राम चला जाता है। सर जब आप नौकरी कर रहे थे वो टाइम अच्छा है कि ये टाइम अच्छा है? मेहनत किस में ज़्यादा थी, उसमें ज़्यादा थी या इसमें ज़्यादा है? ना इसमें थी ना उसमें थी, दोनों में एक जैसा ही मान लो, लेकिन इसमें अच्छा लग रहा है। आराम से बैठो, सवेरे 10 बजे तक काम हो जाता है, 10 बजे के बाद 4 बजे चालू हो जाता है काम। सर भाई प्रॉफिट आप कितना ले लेते हैं इसमें? 14-15 लाख रुपये हो जाते हैं प्रॉफिट सारा। बकरे का मान लो मेल का ही 5-6 लाख रुपये मिल जाते हैं ब्रीडिंग का। तो सोचा था सर बकरी पालन शुरू करने से पहले कि इसमें इतना प्रॉफिट होता है? नहीं सोचा था, लेकिन ये मेल ने बहुत दिए मेरे को, शिवा ने पैसे दिए, देता रहता है हर साल 3-4 लाख रुपये देता है वो। देखिए सर आपकी मेहनत भी है क्योंकि पूरा परिवार लगा हुआ है, और ऐसा नहीं कि हर किसी को इसमें फायदा होता है, नुकसान भी होता है बकरी पालन में। सब को होता है, मेरे को भी हुआ है। दो मेल, एक 4 लाख रुपये का लिया था वो भी मर गया था, 2.25 लाख रुपये लिया था वो भी मर गया, 2 मेल मर भी चुके हैं मेरे पास से भी। खुद की कमियां थी। हाँ काम कैसा है सर अगर ये देखा जाए, अगर ये काम कैसा है बकरी पालन अगर अच्छा है, ध्यान से करें मेहनत से करा जाए तो? हाँ मेहनत से करेंगे अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन करने वाला होना चाहिए, काम करने वाला खुद करना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट माल है सर आपने कहाँ बेचा और कब कितने का बेचा आपने? वो तो पता ही नहीं चलेगा, जाता रहता है। मान लो फीमेल जाती है 35-40 हज़ार रुपये की एक फीमेल चली जाती है कम से कम 25-1 किलो की, और मेल जाता है 20,000 में 1,000 रुपये किलो के हिसाब से। यानी महंगा बिकता है इसका? हाँ पहले बिकता था मान लो मेल 30,000 रुपये का, 30-35 हज़ार का, अभी फिर भी रेट कम है। और फीमेल जाती थी 60-70 हज़ार रुपये तक जी। इसमें सर ईद में ज़्यादा फ़ायदा होता है करने में या फिर ब्रीडिंग पर्पस से? ब्रीडिंग में ईद पे कोई फ़ायदा नहीं, ईद का कोई मार्केट का पता भी नहीं चलेगा ना अपने जी, जी। तो आप इसको ब्रीडिंग पर्पस से कर रहे हैं? हाँ। तो ब्रीडिंग पर्पस में ज़्यादा फ़ायदा है? हाँ। अभी कितने बच्चे हैं, कितनी फीमेल हैं और कितने मेल हैं सर अभी? मेल होंगे 10-12, मेल बिक भी गए, 40 बच्चे आए थे जी, अभी फीमेल है 15-20 है फीमेल। कितना समय आपको देना पड़ता है सर इस फार्म पे? सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, 2-3 घंटा, बस 5 घंटे में काम सारा हो जाता है। सर अब मुझे ये समझाइए, अगर कुछ समझना चाह रहा है इस फार्मिंग को, एक बकरी को तैयार होने में कितना खर्चा आता है और कितना उससे मुनाफा हो जाता है कितने दिन में? वो तो मान लो साल में अपने कम से कम एक फीमेल को खुराक का खर्चा 5,000 रुपये आ जाता है मान लो एक साल में। हाँ खुराक का खर्चा आ जाता है 5,000 रुपये। ठीक है मान लो 10,000 रुपये खर्चा चला ही जाता है मान लो दवाई गोली वगैरह सब लगा सारा सारा सारा। और प्रॉफिट हो जाते 35,000 रुपये पकड़ लो बकरे के, और मेल के ज़्यादा रन दो 15,000 पकड़ो, 50,000 रुपये एक बकरे का पैसे आ जाते हैं मान लो साल के, 10,000 गए तो 40,000 नफा हो जाता है उसमें। यानी सर ये जो बाहर नौकरी करते हैं लोग उनको बढ़िया है कि गांव में रहकर ही हाँ अपना काम वगैरह से इससे अच्छा है, करने वाला होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कई लोग ले जाते हैं बकरे, उनको संभाल नहीं पाते, फिर कहते हैं बकरे खराब है। बकरे का कोई दोष नहीं होता, कोई बकरे हो जी। अच्छा सर ये बताइए फार्म क्यों बंद हो जाते हैं? अभी तक हमने प्रॉफिट वगैरह के बारे में बात करी, अब फार्म क्यों बंद होते हैं, क्या कारण रहता है सर फार्म बंद होने का? ध्यान नहीं देते लोग, लोग सोचते मेरे को 12 साल हो गए, लोग सोचते एक साल में मेरे पास भी 10-12 लाख रुपये आ जाए, वैसे नहीं होता, ये भी चक्कर रहता है। और वो संभालते नहीं, सिर्फ घूमते रहते, घूमने से तो नहीं पैसे मिलेंगे, कोई भी फार्म हो संभालने वाला होना चाहिए जरूरी, मेहनत करना पड़ेगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा, हकीकत कुछ और है। हाँ जी सर इसका जो बच्चा है जब आपने फार्म स्टार्ट करा तो आप प्रेग्नेंट फीमेल लाए थे या नहीं? छोटे छोटे फीमेल लिया था, 16 किलो की, उस टाइम 4,000 रुपये किलो थी, 64,000 रुपये मिलती थी निमकर में। तो लोग सर बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल से करें या खुद फार्म पे ला के क्रॉस कराएं, तो बेटर कौन सी है सर बताइए? वो तो अपने हिसाब से आपके बजट के हिसाब से रहेगी, छोटी फीमेल लोगे 30-35 हज़ार रुपये की मिलेगी, 40,000 तक चली जाएगी अच्छी फीमेल लोगे, मार्केट के ऊपर रहता है आपके ऊपर रहेगा जी। और फीमेल लोगे 50,000-60,000 भी चले जाएंगे, 70 भी चले जाते हैं कई बार, आप लोगे वैसे क्वालिटी के ऊपर रहेगा ना। मैं देख रहा हूँ सर आपने यहाँ पे हरा चारा भी खुद का उगाया हुआ है। हाँ तो इसका भी बेनिफिट है क्या सर, या उगाना चाहिए किसान भाई को? हाँ वो खुद का रहेगा तो अच्छा रहेगा, हमारी तरह पानी नहीं है, नहीं तो आपको सारा हरा हरा दिखता। क्या क्या लगाया हुआ है अभी आपने यहाँ पर? नेपेर है, मैट नेपेर, अभी शोभाबड़ है, तुती है, हदगा है, सिर्फ आपको अभी हदगा ही दिखेगा अच्छा जी, बाकी सारा सूख गया, पानी नहीं है हमारी तरह भी। तो यानी अपने फार्म की जो लागत है इसको इससे कम कर सकते हैं। हाँ सर बीमारी वगैरह इनमें क्या क्या आती है बताइए थोड़ा सा?
बीमारी कुछ नहीं, लक्ष्यकरण करोगे तो बीमारी कुछ नहीं आती। अभी आपको कोई दिख रहा है बीमार है इधर बकरा? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा सर। और मैं सर ये भी देख रहा हूँ कि आपने जालियाँ लगाई, कुछ लोग दीवार बना देते हैं, तो ये मतलब ये वेंटिलेशन इससे अच्छा हो जाता है, हवा क्रॉस हो जाती है? हवा क्रॉस होने के लिए अच्छा है। सर्दी में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन मैं पहले तो कभी कुछ लगाता ही नहीं था, इस साल लगाया था, फिर भी नेट लगा रखी थी। दूसरा सर, पक्का फार्म आपने बनाया हुआ है? हाँ। लोग जो है मतलब आपने काफी पैसा इसमें लगा दिया है? हाँ, 5 लाख रुपए गए थे मेरे, 4.5-5 लाख रुपए। नीचे फर्श भी आपने क्या हुआ है, साथ में बकरियों के लिए यहाँ पे खड़े होने के लिए भी आपने बैठने के लिए बैठने के लगाए हुए हैं? आपने को बैठने के लिए खाट चाहिए तो उनको नहीं चाहिए खाट के? तो सर कोई कैसे शुरू कर सकता है, थोड़ा सा टिप्स दीजिए हमारे किसान भाइयों को जो शुरू करना चाह रहे हैं तो। कम 4 या 5 फीमेल लो, 5 फीमेल से चालू करो, 2 फीमेल लो, ज़्यादा मत लो शुरू में। कई बार फिर आप लेते 10 और उस टाइम फिर आप संभाल नहीं पाते तो कई बार मर भी जाते कोई फीमेल, कई बार बिकते नहीं, फिर वो कहते बिके कैसे, फिर संभालोगे नहीं तो आप बिको कैसे, बेच भी नहीं पाओगे फिर उस टाइम। शुरुआत धीरे धीरे करें। हाँ, 4-5 फीमेल से करो, तब आप उसमें आप अनुभव भी लेंगे। हाँ, और हाँ, साथ में कोई नुकसान होगा तो वो भी आप उसकी भरपाई कर पाएंगे। हाँ, 2 फीमेल लो या 5 लो, ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 5 लो, नहीं तो 2-1-2 से करो। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, सर के द्वारा बताई हुई जानकारी आपको उम्मीद अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर सर कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर सकते हैं, बस थोड़ा धैर्य रखिए। जल्दीबाजी अगर अमीर बनने की सोचेंगे तो नुकसान खा जाएंगे। धीरे धीरे काम शुरू करें और कुछ ही बकरे लाएँ, 2 लाएँ 4 लाएँ, लेकिन कम से शुरू करें, जिससे आपका अनुभव होगा और जो आपका खर्चा है वो भी कम लगेगा, साथ में आपको जानकारी ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और यार दोस्तों में फ्रेंड सर्कल में अपना शेयर करना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नए सफर में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी।